नमस्कार। सूचना पीएचडी की प्रवेश परीक्षा के बाद आ चुकी आंसर की आपके समक्ष इस छोटे से वीडियो में और इस पीएचडी प्रवेश परीक्षा का संबंध है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। यदि आपने भी इस विश्वविद्यालय में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी थी या फिर एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी थी या फिर केवल एमफिल की प्रवेश परीक्षा दी थी या फिर आपने पीएचडी एग्रीकल्चर एंड वेजिटेरियंस वाले सब्जेक्ट की, जिसको वेट बोलते हैं, उसकी प्रवेश परीक्षा दी थी, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहली बात, 1 जुलाई यानी कि आज की तारीख 1 जुलाई 2022 रात 12 बजे तक यदि आपको दी गई आंसर की के जवाबों के किसी प्रकार से असंतुष्टि है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं की, जो कि रेट 2022 था, आंसर की दी है, उसके जवाबों से यदि आपको आपत्ति है किसी प्रकार की तो आप उसको आज रात 12 बजे तक यानी कि 1 जुलाई 2022 रात 12 बजे तक उसको दर्ज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आंसर की को देखने के 4 अलग अलग लिंक है, क्योंकि 4 प्रकार के पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे गए थे, प्रवेश परीक्षा हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेट एग्रीकल्चरल एंड रेट सभी कोर्सेज के लिए, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस थे, उसके अलावा एमफिल और एक चौथा कोर्स एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड। अब आपको मैं चारों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहां जाकर आप अपनी आंसर की को चेक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, यदि आपने रेट के लिए अप्लाई किया है तो आप यदि एमफिल वाले लिंक को ओपन करेंगे तो आप आंसर की के लिए लॉगिन नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आवेदन किया है तो आप यदि रेट वाले लिंक पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे तो वहां भी आंसर की आप नहीं देख पाएंगे। तो याद रखिएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है और जिस भी आधार पर आपने अप्लाई किया है उसी वाले लिंक को आपको ओपन करना है। आप चारों में से किसी भी लिंक को ओपन कर लीजिएगा, जो भी आपका हो, चारों का लिंक मैं आपको दे दूंगा। ओपन करने के बाद आपसे आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड मांगेगा और एंटर कर दीजिएगा, आपके सामने आपकी आंसर की आ जाएगी। यही सूचना थी बीएचयू की वेबसाइट पर, छोटी सी सूचना है, बहुतों को फ़ायदा हो सकता है और कईयों को तकलीफ हो सकती है। एक और बात, आंसर की में जितने भी नंबर आपके होंगे 300 में से, ठीक है, उसको समझने के लिए अब आपको जाना होगा बीएचयू के प्रोस्पेक्टर पे, है ना। जो बीएचयू का प्रोस्पेक्टर आया था, आपको उसको ओपन करके अब देखना होगा और तब आपको मालूम चलेगा कि कितने नंबर पे आपको एंट्रेंस क्वालिफाई माना जाए या नहीं माना जाए, यानी कि आपकी मेरिट क्या रहेगी, ठीक है। वैसे ओवरऑल 40 और 45 नंबर्स पे आपको क्वालिफाई कर देते हैं, लेकिन मेरिट के लिए आपको 180 या 190 या 210 कितने नंबर लाने होंगे, ये बीएचयू का अलग अलग विभाग का अलग अलग डिपार्टमेंट तय करता है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रवेश परीक्षा पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपका चयन इंटरव्यू के लिए हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सवाल करके ये मत पूछिएगा कि हमारे 300 में से 50 नंबर हैं, 150 नंबर हैं या 250 नंबर हैं तो क्या हमारा चयन इंटरव्यू के लिए होगा। ये सभी डिपार्टमेंट अपने अपने आधार पर तय करते हैं। और एक और बात, बीएचयू के लिए यदि आपका चयन हुआ है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि अभी आंसर की फाइनल नहीं आई है ना, जब आपका चयन होगा बीएचयू के लिए तो आपको बीएचयू की तरफ से ईमेल जाएगा, ठीक है। हो सकता है ईमेल जाए, लेकिन 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि ईमेल जाएगा, क्योंकि लास्ट 2 साल से तो नहीं भेज रहा है, आपको लॉगिन करके स्वयं ही देखना होगा। लेकिन 5 से लेकर 7 जुलाई तक लगभग फाइनल आंसर की भी आ जाएगी, उसके बाद ही इंटरव्यू के बारे में कोई जानकारी वेबसाइट पर आएगी, तब हम आपको बता देंगे। तो आप मेरिट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर फालतू सवाल मत कीजिएगा, लेकिन आप सिनॉप्सिस को लेकर, टेस्ट बी को लेकर, रिसर्च प्रपोजल को लेकर, शोध प्रस्ताव को लेकर या बीएचयू का विशेष राइटअप को लेकर कोई सवाल करना चाहते होंगे, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, उन वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। समझने पर कोई आपत्ति हो, कोई बात समझ में ना आए, लेकिन देखने के बाद में, तो आप सवाल कर सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अपनी आंसर की को जल्दी से चेक कर लीजिए और जो भी आंसर की आई है उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, क्योंकि 3 जुलाई या फिर 2 जुलाई के बाद से वेबसाइट से आंसर की और उसके लिंक को हटा दिया जाएगा। फिर अगर आपने नहीं देखी है
एक तारीख तक और आपको लगता है कि 5 दिन 6 दिन के बाद देख लेंगे या देख लेंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, आंसर की खटा दिया जाएगा। तो यदि जो भी वीडियो को देख रहा है अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए आंसर की को डाउनलोड करके रख ले, कि सभी सब्जेक्ट की आंसर की अलग अलग होती है और पर्टिकुलर आप लॉगिन करके केवल अपनी ही आंसर की को देख सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं, जिसका भी पासवर्ड आपके पास यदि है तो। यही थी अपडेट BSU की तरफ से उसकी वेबसाइट पर। और कोई मेरे लिए आपका सवाल, आपका कोई डाउट हो तो उसका भी स्वागत है। मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और समय, तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का और प्रकृति का रखिएगा ध्यान। और आज जैसा कि आप मालूम है 1 जुलाई है और बहुत से विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के साथ साथ अब पढ़ाई भी शुरू हो गई है, तो आप भी अपना अध्ययन और अध्यापन, यदि आप अध्यापक हैं, प्रारंभ कर दीजिए तेज़ी से। सब कुछ ऑफलाइन होगा BHU में भी और भारत के लगभग अधिकांश विश्वविद्यालयों में। 2 साल 2.5 साल जो हमको झेलना था, अवसर या आपदाएं जो भी थी, हमने बांट लिया। अब नए सिलसिले से नए अध्ययन के साथ उलझ जाइए इस असुलझे दुनिया। सलाम।